आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द रेड टियर। इस मूवी में एक आदमी और एक केयर होस्टर को बार बार किस्मत मिलवाती है और इन दोनों के ना चाहते हुए भी इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है। इस मूवी की शुरुआत में एक एयर होस्टर को दिखाया जाता है जो एक काउंटर पर जाके गाने सुनने लग जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास आकर एक और आदमी सॉन्ग सुनने लगता है। एयर होस्टर सॉन्ग सही से प्ले नहीं कर पा रही होती है तो ये आदमी इसमें इसकी हेल्प कर देता है। इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन दोनों को ये पता ही नहीं होता कि इन दोनों की ये खामोश मुलाकात इन दोनों की लाइफ में क्या चेंज कर देगी। द रेड टियर इस मूवी का जो नाम है वो एक चाइनीज़ कहावत है जो ये कहती है कि आप कहीं भी पैदा हो, कहीं भी रहते हो, किस्मत आपको अगर मिलाने में लग जाए फिर उसकी कोई भी नहीं रोक सकता। आप ना चाहते हुए भी उसे तोड़ नहीं सकते। किस्मत आपको मिलाने पर आ जाएगी तो दुनिया को कोई भी ताकत आप दोनों को नहीं रोक सकती। और इसको प्रूफ करते हुए है मूवी का नेक्स्ट सीन। ये आदमी जिसका नाम मैनुअल होता है, वहाँ पर एयर होस्टर जिसका नाम एबिल होता है, वो एक माइनर बॉय को अपने साथ में लाती है और मैनुअल को कहती है कि ये सीट इसकी है। लेकिन वो लड़का कहता है कि विंडो सीट में ही लेता हूँ मैं। एबिल मैनुअल को बताती है कि ये लड़का अपने माँ बाप के बिना सफ़र कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। एबिल की दोस्त एबिल को बताती है कि हमारी एक एयर होस्टर को ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। तो एबिल कहती है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, ये बकवास बंद करो और मुझे सर दर्द की गोली दो। फ्लाइट अब आसमान में होती है और अब मैनुअल एबिल को अकेला होने का वेट करता है। जब एयर होस्टर पैसेंजर को सर्व करने जाती हैं तो मैनुअल मौका देखकर एबिल के पास चला जाता है। एबिल उससे पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। ये दोनों बातें करते हैं। फिर एबिल देखती है कि उसकी दोस्त किसी के साथ रोमांटिक हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलकर कुछ बातें करते हैं। तभी फ्लाइट में एक जर्क आ जाता है तो मैनुअल पूछता है कि ये नॉर्मल है क्या? तो एबिल कहती है हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल है। तो मैनुअल इशारे में कहता है कि हम दोनों किस करें तो ये भी नॉर्मल होगा क्या? तभी एयर होस्टर जो किसी के साथ रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है और मैनुअल फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल फिर मौका देखकर एबिल के पास आ जाता है तो एबिल कहती है कि तुम यहाँ बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पर यह टैटू कैसा है? फिर एबिल टैटू उसको दिखाती है और कहती है कि ये मेरे एक्स की निशानी है। एबिल एक टैटू जो उसकी थाई पर बना होता है वो भी उसको दिखाती है। इसके बाद में एबिल मैनुअल को उसकी सीट पर जाने के लिए कहती है लेकिन किस्मत इनको मिलाना चाहती थी इसलिए तभी फ्लाइट में फिर से एक जर्क आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर दोनों मिलकर यहाँ किस करते हैं। इसके बाद में मैनुअल एबिल से कहता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद में तुम मेरे साथ लंच करोगे था क्या? तो एबिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। नेक्स्ट सीन में अब फ्लाइट लैंड करती है। मैनुअल और एबिल बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड है। एबिल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं और एबिल मैनुअल का वेट करती हैं। तभी वो देखती है कि मैनुअल लाइन में है और ये एक दूसरे को देख लेते हैं लेकिन तभी किस्मत अपना खेल खेलती है। एयरपोर्ट पर कस्टम में कोई बड़ा इशू हो जाता है इसीलिए पैसेंजर को वेट करने के लिए कहते हैं जिसकी वजह से एबिल मैनुअल का वेट करती रह जाती हैं और ये दोनों वहाँ नहीं मिल पाते। इन लोगों ने किसी भी तरह का फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिया था जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब एबिल की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड ब्रोनो जो कि एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और उसकी एक हैप्पी फैमिली है और 2 साल का बेटा है जिसका नाम है फेलिक्स। और दूसरी तरफ मैनुअल को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। उसकी वाइफ का नाम लोरा है और वो फेमस फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल की भी एक प्यारी सी डॉटर होती है। एबिल भी मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैनुअल की वाइफ लोला मैनुअल को हद से ज़्यादा प्यार करती है, ठीक उसी तरह एबिल का पति भी एबिल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
और एबिल का पति एक रॉक स्टार होता है, इसलिए उसे कहीं कहीं काफ़ी जर्नी करनी पड़ती हैं, इसलिए ब्रूनो और एबिल अक्सर अलग अलग फ्लाइट में घुमा करते हैं। आज ये दोनों फिर अलग अलग फ्लाइट में जा रहे हैं। एबिल कोलंबिया के शहर कटोजीना के लिए निकल रही है, लेकिन किस्मत का धागा एबिल को तो मेन्योर से बांधना चाहता था, इसलिए इधर मेन्योर भी इसी शहर जाने के लिए रवाना हो रहा है। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में एबिल और उसकी दोस्त होटल में बुकिंग करवा रहे थे, तभी वो देखते हैं उसी होटल में रिसेप्शन पर मेन्योर भी बुकिंग करवाने आया है। और किस्मत की डोर इन दोनों को 7 साल बाद में आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। एबिल मेन्योर को बिना बात किए वहाँ से जाने लगती हैं, तो मेन्योर उसके पीछे जाकर एबिल से बात करता है और कहता है भूल गई क्या, लेकिन एबिल कहती है जानती हूँ वाइन बिजनेस है ना तुम्हारा, मुझे पूरी तरह से याद है। तो एबिल वहाँ से जाने लगती हैं तो मेन्योर कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा लेकिन हम दोनों मिल नहीं पाए, कम से कम अब हम साथ में लंच तो कर सकते हैं ना। फिर ये लोग लंच करने लग जाते हैं। एबिल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 4 घंटे वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए। तो मेन्योर कहता है कि मेरा शाम को कस्टम क्लियर हुआ था इसलिए मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया। अब एबिल अपने पति और बेटे से बात करना चाहती हैं, तो वो देखती है कि वहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है। फिर वो अपने पति और बेटे की फ़ोटो मेन्योर को दिखाती है और मेन्योर भी अपनी वाइफ और डॉटर की फ़ोटो एबिल को दिखाता है। तभी एबिल कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मेन्योर कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच में भी हो सकता था, क्या तुम इस बारे में कभी सोचती हो। तो एबिल कहती है कि नहीं, जो चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना क्या। तो मेन्योर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे उस टाइम पर तुमसे प्यार हो गया था। तो एबिल कहती है कि सिर्फ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, आज कैप्टन दोस्त की पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। तभी एबिल थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। एबिल अपने रूम में जाकर अपने पति और बेटे से बात करती है, तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है, मेन्योर के बारे में पूछती है। तो एबिल बता देती है कि अब वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। फिर एबिल कहती है कि ये सब छोड़ो, कैप्टन की पार्टी का जाने का टाइम है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं। दूसरी तरफ मेन्योर अपने रूम में अपनी वाइफ से बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वजह से होटल की छत पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि एबिल अपने फ्रेंड की पार्टी में काफ़ी इंजॉय कर रही है। वो मेन्योर को बाहर खड़ा देखती है तो उसको अंदर बुला लेती है। यहाँ पर डीजे चल रहा होता है। फिर ये सब अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं, सबको यहाँ पर कपल डांस करना था। तभी एबिल मेन्योर का हाथ पकड़कर डांस के लिए ले जाती हैं। फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। फिर ये दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं, फिर वहाँ ये बातें करते हैं। तो मेन्योर एबिल को कहता है कि कल साइट सीन करने चलें क्या, लेकिन एबिल बिना जवाब दिए मेन्योर को बाय कहकर जाने लगती हैं। जाने से पहले वो मेन्योर के गाल पर किस करती हैं, तो मेन्योर उसको लिप किस करने लगता है, तो दोनों ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो एबिल पीछे हट जाती हैं। अगले सीन में एबिल अपने पति और बेटे से बात करने लगती हैं और यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए वो अपने पति से बात नहीं कर पाती, तो वो हॉस्टल के रूम में बोर होने की वजह से बाहर घूमने निकल जाती हैं। अब वो अपनी दोस्त को साथ में ले जाना चाहती हैं, तो वो देखती है कि उसकी दोस्त कैप्टन के साथ रोमांटिक हो रही है, तो खुशी खुशी वो उन दोनों को अकेला छोड़कर साइड सीन पर निकल जाती हैं। जाते समय अबिल देखती है कि मेन्योर अपनी वाइन की बोतल को किसी को दिखा रहा है। मेन्योर अबिल के पास आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो एबिल कहती है कि मुझे आर्टफेल जाना है लेकिन मैं रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मेन्योर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूँ। तो एबिल कहती है कि नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी। तो मेन्योर अकेला ही साइट सीन के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर एबिल काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तो अब एबिल भी मेन्योर के साथ साइट सीन के लिए चली जाती है। ये दोनों मिलकर काफ़ी साइट सीन करते हैं। यहाँ काफ़ी देर घूमने के बाद में ये दोनों बैठ जाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। तभी एबिल कहती है कि यहाँ पर कितना फ्री फील होता है, और एबिल उठकर मेन्योर को किस करने लग जाती है।
और तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठकर एक टैनर में चले जाते हैं। लेकिन अबील इंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वे टैनर से बाहर चली जाती हैं और बारिश में इंजॉय करने लगती हैं। फिर ये दोनों क्लोज होते हैं और बारिश में ही किस करने लगते हैं। किस्मत इनको मिलाना चाहती थी और इसी किस्मत के चलते ये दोनों फिजिकल भी होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिन्युल अबील को एक रिंग पेश करता है जो उसने साइड सीन के टाइम ली थी। थोड़ी देर बाद में मिन्युल की वाइफ का कॉल आता है तो अबील उसे बड़े ध्यान से सुनती है। वो सुनती है कि मिन्युल अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे 2 दिन और लग जाएंगे, और वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, जिसकी वजह से अबील को ऐसा लग रहा था कि मैं भी तो ऐसा ही कर रही हूँ, और उसको गिल्टी फील होने लगता है। मिन्युल अबील से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई, मेरी वाइफ का कॉल मैंने आंसर किया इसलिए तुम अपसेट हो गई क्या? तो अबील कहती है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम किसी और औरत के साथ हो। तो मिन्युल कहता है कि वो तो तुम भी हो ना, तुम्हारा भी तो हस्बैंड है ना। तो अबील कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि हम दोनों प्यार तो सच में किसी और से करते हैं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो मिन्युल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा चांस है। तो मिन्युल कहती है कि कोई चांस नहीं, एक एक ही टाइम में 2 आदमियों को प्यार नहीं कर सकती, इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और वो दुखी होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोते हुए अबील अपने घर की तरफ निकल जाती है और मिन्युल भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब मिन्युल का मन अपने काम में नहीं लग रहा होता। वो फेसबुक आईडी फ़ोटो देखता है और उसको अपने आप को तसल्ली देता है। थक हार कर मिन्युल और अबील को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि मुझसे सहन नहीं होता, चलो मिलते हैं। अबील मैसेज पढ़ती है और रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस बात को पढ़कर मिन्युल काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और अबील ने भी ये रिप्लाई अपने दुखी मन से दिया था। उसे पता था कि वो मिन्युल से मिलती रहेगी तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मिन्युल की वाइफ लोरा, जो एक फेमस फोटोग्राफर है, आज ब्रूनो, जो कि म्यूजिकल रॉक स्टार है, उसकी फ़ोटो शूट कर रही है, और इसके साथ में उसकी वाइफ अबील भी यहाँ पर आई हुई है। वैसे तो मिन्युल कभी अपनी वाइफ के फ़ोटो शूट पर नहीं आता, लेकिन आज उसकी एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए वो अब यहाँ पर आ गया। और किस्मत की डोर ने फिर से एक बार अबील और मिन्युल को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मिन्युल की वाइफ लोरा अबील और उसके पति से मिलवाती है। उसको पता ही नहीं था कि अबील और मिन्युल पहले से मिल चुके हैं। ब्रूनो और लोरा फोटो शूट में बिजी हो जाते हैं और इधर मिन्युल और अबील आपस में बात करने लगते हैं। तो अबील पूछती है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझसे मिलने, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। पर मिन्युल वहाँ कहाँ मानने वाला था, वो अबील के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो अबील उसको रोक देती है। तो मिन्युल कहता है कि यहाँ से कुछ भी बहाना देकर निकल जाते हैं, मेरे साथ तुम होटल रूम चलो। ये सुनकर अबील को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिन्युल वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है, लेकिन अबील कहाँ मानने वाली थी, तो वो फाइनली वो भी मिन्युल के कमरे में चली जाती हैं और मिन्युल के साथ फिजिकल होती हैं। तभी वहाँ पर फ़ोन रिंग करने लगता है। जब अबील फ़ोन पिक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके फ़ोन पर 20 मिस कॉल आई हुई थी, लेकिन उसने एक भी पिक नहीं करी क्योंकि वो मिन्युल के साथ बिजी थी। आज वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करने वाली थी, लेकिन वो उसे पिक करना ही भूल गई। अब अबील डर जाती है, उसको मिन्युल के साथ रोमांटिक होने की वजह से अपनी फैमिली को इस तरह भूल जाना उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। अब अबील रोते हुए अपने घर की तरफ आ जाती हैं और घर आकर वो अपने बेटे को देखती हैं जो कि सो रहा था। अब अबील अपने बेटे को देखकर अपनी गलती का एहसास करती हैं। दूसरी तरफ मिन्युल की वाइफ लोरा फोटोशूट साइट पर उसके द्वारा ली गई फ़ोटो मिन्युल और अबील की फ़ोटो को दिखाती हैं और फ़ोटो को जूम करके दिखाती हैं, जिसमें मिन्युल काफ़ी रोमांटिक होकर अबील की तरफ देख रहा था। लोरा एक काफ़ी अच्छी और फेमस फोटोग्राफर थी, इसलिए फेस रीड करना उसे बहुत अच्छे से आता था। अब उसको पता चल गया था कि अबील और मिन्युल के बीच में कुछ चल रहा है। फिर मिन्युल कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था,
तो लोरा कहती है कि क्या मतलब तुम मुझे बताने वाले थे, मतलब तुम किसी और से मिले, तुम्हें प्यार हो गया और मेरा टाइम ख़त्म। तो मेन्यू कहता है कि देखो ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो लोरा कहती है कि मेरे साथ तो नहीं होती ऐसी चीज़ें, तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अबील भी अपने घर में बहुत दुखी होती है, और ना तो वो मैनुअल के साथ ओपनली रह सकती हैं और ना ही वो क्लियर अपने पति को इस बारे में बता सकती हैं। तो वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसको बार बार परेशान रोता देखकर उसका पति उससे कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो। तो अबील बोल ही देती है कि उसने झूठ बोला था, वो अपने बेटे को इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि वो किसी एक आदमी मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी, और वो काफ़ी टाइम से उसके साथ रिश्ते में है। ये सुनकर उसका पति हैरान रह जाता है। तो अबील कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और ना ही मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ़ कर पाएगा। इस बात पर अबील बहुत रोती है, लेकिन अबील ना चाहते हुए भी अब घर छोड़कर जा रही थी। वो टैक्स करके मेन्यूर को एयरपोर्ट पर बुलाती हैं और दुखी मन से अपने पति को देखते हुए टैक्सी में बैठ जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए मेन्यूर के साथ रहने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब मेन्यूर एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था और दुखी मन से रोते हुए अबील भी एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। अबील कार के अंदर बैठे बैठे दुखी मन से मैनुअल को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो अपने बेटे और पति को छोड़कर आई है और मैनुअल के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। ये वही सपना है जिसने कई साल पहले अपने पति के साथ देखा था। अब अबील मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं तुमसे आज नहीं मिल सकती अब, और वो फिर अपने घर की तरफ चली जाती हैं। क्योंकि किस्मत की डोर तो उसके पति के साथ भी जुड़ी थी ना, जो फिर कांटेक्ट हो रही थी, जो उसकी फैमिली को फिर से आपस में जुड़ने का काम कर रही थी। अब क्या वो कभी मैनुअल से मिलेगी? इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।